जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ ना कि मैंने इससे पहले वाले व्लॉग्स में अभी मैंने मेरे गुड हेयर के शैम्पू से मेरे बाल वॉश कर दिया और अब मुझे बाल नव कर रहा है मेरा घर पे वेट। रोमा चाची आ गई, रोमा चाची आ गई। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है अनंत चौदस और आज से मैं जल्दी उठने का पूरा ट्राई कर रहे हैं हम। आज से हम पूरी फैमिली ने एक प्लान बनाया, सुबह जल्दी 6 बजे उठेंगे और जल्दी से काम निपटाएंगे। तो यही प्रोसेस आज से स्टार्ट होता है और आज मैं 6 बजे उठ के ना लिया है मैंने। अभी हो रही है 6:30 और अभी मैं ब्रेकफास्ट वगैरह प्रिपेयर कर रही हूँ। और मम्मी का तो है आज व्रत, इसलिए आज बनेगा घर में खीर पूड़ी, तो उसकी भी प्रिपरेशन कर देती हूँ। थोड़ी थोड़ी जो भी है वो प्रिपरेशन कर देती हूँ, साथ में ब्रेकफास्ट भी प्रिपेयर कर देती हूँ। और आज की मॉर्निंग बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। और कल रात को जैसे ही मैंने व्लॉग एंड किया, इतनी ज़बरदस्त की बारिश हुई है, यानी ज़ोरदार बारिश, लाइट वगैरह सब चली गई। और हमारे घर पे तो जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी किसी वीडियो में, हमारे घर पे सोलर प्लांट लगा हुआ है, तो उससे भी यानी इतनी ज़्यादा बारिश, तो फिर पूरी रात चलाना तो पड़े ना, तो फिर एसी तो बंद करके सोते और पंखा ही चालू था। पर मौसम काफ़ी प्लेजेंट हो गया था, इसलिए नींद भी आ गई। और इतनी ज़ोरदार बारिश हुई थी, सब थंडरिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। अभी जा रहे हैं हम लोग मंदिर और मंदिर से सीधा जाएंगे शॉप पर, क्योंकि आज हैप्पी भी नहीं है, तो अभी शॉप वगैरह सब ओपन करनी बाकी है, तो वहाँ पर आज पूरा दिन रहना पड़ेगा और आगे सैलून में भी संभालना पड़ेगा और आगे भी। तो इसलिए आज घर पे तो फिर ये डिसाइड किया कि खाना बनाने वाले दीदी को बुला देते हैं और मैं रहूँगी शॉप पर, क्योंकि मैनेज नहीं हो पाएगा, इसलिए नहीं तो वो शॉप क्लोज़ रखनी पड़ेगी या फिर मैं घर पर रहूँगी। तो इसका अल्टरनेट निकाल कर दीदी को बुला दिया खाना बनाने वाली। तो चलिए चलते एक बार मंदिर और फिर जाते हैं शॉप पर। अभी आ गई हूँ शॉप पर और अभी करवा रही हूँ मैं मेरे बालों का थोड़ा थोड़ा ट्रिमिंग, क्योंकि अभी मैंने हेयर वॉश वगैरह सब करवा दिया है। क्योंकि हेयर वॉश मैंने कल भी करवाया था पर मेरे हेयर बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे मुझे, तो मैंने सोचा क्यों ना वापस हेयर वॉश करवा दूँ। तो अभी हो रही है मेरे हेयर कटिंग। हेयर कट मेरा हो चुका है और मैंने वापस से बाल वॉश किए। शायद मेरे बाल मुझे वापस ऑयली लग रहे थे इसलिए, और मैंने शैम्पू चेंज किया था, वो शैम्पू मेरे को सूट नहीं हो रहा है इसलिए। तो अभी मैंने मेरे गुड हेयर के शैम्पू से मेरे बाल वॉश कर दिया और अब मुझे बाल मेरे सही लग रहे हैं। तो अब जाती हूँ आगे शॉप पर और काम वगैरह है कुछ करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ। मम्मी के है आज व्रत, तो मम्मी को चाहिए थे कुछ शुगर के प्रोडक्ट, तो वो मैं शॉप से लेके आई हूँ। काजल, कॉम्पैक्ट, लिप केयर एंड सम लिपस्टिक्स। सो अभी मम्मी को चाहिए, तो मम्मी को कर देते हैं रेडी, फिर आपसे मिलते हैं। अभी मैं जा रही हूँ शॉप पर, मम्मी को कर दिया है रेडी और मम्मी कर रहे हैं पूजा। दिखा देती हूँ आपको। मम्मी भाई देखो, तो वीडियो ले रही हूँ। एक लाइट और चालू कर दे, इधर स्थापना की है और माता जी को तैयार कर दिया है। माता जी खुद भी तैयार हो गए। अभी आ गई हूँ शॉप पर और शॉप पर आज कुछ काम कर रहे थे हम। एक न्यू ब्रांड आई है ओरिगामी करके, और उसकी ऑल ओवर सारी रेंज हमारे पास अवेलेबल है और उसके प्रोडक्ट्स भी मैं आपको कल तक दिखाती हूँ, क्योंकि आज अकेली हूँ इसलिए सब कुछ मैनेज नहीं कर पाऊँगी। और चिकू होंगे तो दिखा भी पाऊँगी, दोनों बातें हैं, एडजस्ट कर लेना। अगर आज दिखाऊँ तो ठीक है, नहीं तो कल तो दिखाऊँगी, कल नहीं तो परसों दिखाऊँगी, कभी ना कभी तो दिखाऊँगी। और अभी गई है ज्योति खाना खाने के लिए। ज्योति जैसे ही आती है फिर मैं जाऊँगी। और ज्योति चलो एक काम बहुत अच्छा करके गई है, पानी यहीं पर भर के रख के गई है। तो सुबह के हैं हम प्यासे भूखे, आज तो मिल्क भी नहीं पिया है। अभी देखूंगी 1-2 व्लॉग्स जो मेरे फेवरेट यूट्यूबर्स हैं उनके, आप मेरा व्लॉग देखिए। आज मैं पूरे दिन में आप लोगों को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाई, क्योंकि आज मैं आगे बिल्कुल अकेली थी और पीछे ज्योति थी, दोनों तरफ इतना मैनेज करना पड़ रहा था। पीछे भी कस्टमर थे, आगे भी थे। और साथ ही साथ आज आपके लिए बहुत ही अच्छी एक्साइटिंग चीज़ आई है, आप ही के लिए है, मेरे लिए भी है, दोनों के लिए सेम है। आप मेरे नेल्स देख सकते हो। अच्छे लग रहे हैं ना। अभी ये नेल एक्सटेंशन मैंने लगाए हुए हैं और ये लीग ब्रांड के हैं और ये ब्रांड हमारी शॉप पर आ चुकी है। और अभी जो भी व्लॉग देख रहे हो जिसको अच्छे लग रहे हैं, ये तो मैंने ओनली फॉर टेम्परेरी लगाए हुए हैं, इतने अच्छी वैरायटी के नहीं लगाए हुए हैं, सिर्फ मुझे डेमो दिया गया है। पर क्या एक से एक डिज़ाइंस आई है, यानी बहुत ही शानदार। कल या फिर परसों के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि किस टाइप की डिज़ाइन आई है। एक नंबर कलेक्शन आया है। और अब जिन लड़कियों के नाखून नहीं बढ़ रहे हैं या फिर उनको अपने नाखून से सेटिस्फाइड नहीं है, नेल एक्सटेंशन लगाकर हैप्पी रह सकती हैं। और ये बिल्कुल भी निकलने वाले नहीं हैं, कम से कम 2 वीक्स तक तो बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। और कितने ज़्यादा नेचुरल लग रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं। आज पूरा दिन मैं इसी में बिजी थी, इसलिए मैं कुछ व्लॉग नहीं कर पाई थी। आज घर पे भी नहीं रह पाई। अच्छा हुआ घर पे मैंने खाना बनाने वाले दीदी बुला दिए थे, नहीं तो मैं बिल्कुल फंस जाती। और मम्मी के था आज व्रत, जैसे कि आपने देखा ही होगा। आज मम्मी कितने अच्छे तैयार हुए थे और मेहंदी वगैरह लगाई थी, तो पूरा यानी फील आ रहा था मम्मी को भी कि व्रत है। और घर पे भी आज सब जनों ने साथ में ही खाना खाया, काफ़ी मज़ा आया। और अभी हो गया है शॉप को मंगल करने का टाइम, तो अभी चिकू जैसे कि आ गए हैं, तो हम दोनों मिलकर चल कर देते हैं शॉप को मंगल और फिर चलते हैं घर पर। ये शटर जब हमारी शॉप बनी थी और मंगल हैप्पी भी ही करते थे, हम लोग नहीं करते थे तब, यानी हमारे तक तो कभी कभी आता है। तो ये शटर को यानी खोलने के लिए, क्योंकि ऊपर लॉक हो जाता है पूरा, यानी बाहर डिस्प्ले बना हुआ है उस हिसाब से, तो इसको खोलने के लिए हमको 2-3 जनों को बुलाना पड़ा। और ये इतना ध्यान रहा नहीं कि टेबल, और ये टेबल भी वापस मुड़ने वाला, डर भी रहता है ना ऊपर चढ़ के। पर अब तो प्रैक्टिस हो गई है। नव कर रहा है मेरा घर पे वेट, रोमा चाची आ गई करके। क्या काम है अब बोल, चल। अरे पिज़्ज़ा बनाओ। पिज़्ज़ा बेस है क्या? नहीं, वही बेस लाना पड़ेगा, बना तो देंगे। बेस लाना पड़ेगा, शिमला मिर्ची लानी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तू जा शॉपिंग करके आ जा स्कूटी लेके। हाँ। आज एक पार्सल रिसीव हुआ है और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, यानी हमारे लिए तो। बहुत लंबे टाइम से चिकू कुछ इतना अच्छा सोच रहे थे और वो चीज़ हमको मिल गई है। और वो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। हमारा कैमरा बैग जो हमको बड़ा चाहिए था, जिसके अंदर हमारी सारी चीज़ें आ जाए, सारे लेंसेज आ जाए, इसके बाद फ्लैश भी आ जाए, सब कुछ कम्प्लीट आ जाए। और साथ ही साथ हमारा लैपटॉप भी आ जाए। और ये आया है माउस पैड, जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मेटल का है कम्प्लीटली। और इसके ऊपर अब चिकू को माउस चलाने का क्या मज़ा आएगा। इतना ज़्यादा अच्छा बेस और उसके ऊपर इतना अच्छा माउस और इसके ऊपर इतने अच्छे नेल एक्सटेंशन, मज़ा आ रहा है चलाने का। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब तो चिकू और मज़ा आएगा तुमको। हल्का से यूँ करते में एक जगह चेक चलेगा, पहले वाला चिपक जाता था बहुत। और ये हमारा बैग जो कि अंदर से काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, लेंसेज वगैरह की अच्छे से केयर होने वाली है इसमें। और अभी चिको कम्प्लीटली बैग जमाएंगे, तो आपको दिखाते हैं हमारे पास कितने सारे लेंस हैं और कितने कैमराज हैं। कैमराज भी 2 हैं, जैसे कि जिसमें तो मैं एक से व्लॉग कर रही हूँ और हाँ गोप्रो भी है, और इसलिए 3 कैमरा आराम से अंदर से आ जाए और एक ही बैग कैरी करना पड़े, और वो भी इतना अच्छा। और अंदर से दिखने में मस्त लग रहा है बैग, एकदम ग्रे कलर है, ग्रे ब्लैक वाइट, मेरे फेवरेट कलर है। कुछ भी चीज़ इसमें होगी तो मुझे फर्स्ट अच्छी वही लगेगी। और ये अभी चिकू माउस पैड को चिपकाने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ भी आता है, कब इसको यूज़ कर लूँ, कब इससे काम कर लूँ। आपको लगता है ना चिकू का व्लॉग में आना चाहिए? अब कमेंट करो, जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतने ज़्यादा व्लॉग में आएंगे। ये कहीं ये व्लॉग में आता है ना, वो व्लॉग हमेशा अच्छे बनते हैं सच में, वो भी मुझे देखने के होते हैं। आते ही नहीं है, पर यूँ कहते हैं तुम्हारी ऑडियंस जब डिमांड करेगी तब आएंगे। पर ऑडियंस को बोल रही हूँ भाई, डिमांड करो, मज़ा आएगा। और हम दोनों को कुछ चैलेंजेस दो, तो हम चैलेंजेस करेंगे और आपको देखने में भी काफ़ी मज़ा आने वाला है। जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ ना, कि मैंने इससे पहले वाले व्लॉग में भी बोल रखा है, 2-3 व्लॉग में बोल रखा है। आप जो मुझे यानी यूट्यूब में कमेंट करते हो नाइस व्लॉग या फिर गुड व्लॉग, इस टाइप का मत बोला करो। मैं आपको पढ़ के बताती हूँ जो मुझे आज कमेंट आया है। एक मेरी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है कि आप आपकी साड़ी का कलेक्शन बताए दी प्लीज़, तो बिल्कुल मैं बताऊंगी। उनका कमेंट मुझे रियली बहुत अच्छा लगा क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हुए हो तो आपको मेरी चीज़ें देखने की भी इच्छा है। ये मैं यानी आप भी सोचते हो और मैं भी सोचती हूँ। अगर इस टाइप का आप कुछ मुझे कमेंट्स में लिखते रहोगे ना तो मैं बिल्कुल करूँगी। और एक जने ने आज अच्छा कमेंट किया, आप कार चलाओ। मैंने कार सीखी थी पर मैं चलाने की हिम्मत नहीं कर सकती हूँ, पर हो सकता है कि अब वापस सीखूँ, आपने कहा है इसलिए। और कमेंट ज़्यादा क्या आते हैं, बहुत अच्छा व्लॉग है, बहुत अच्छी व्लॉग है वगैरह वगैरह। पर आप मैं जो चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, मैं इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं देती हूँ कभी कभार कि आप मुझसे पूछोगे कब। अगर मेरी कोई चीज़ आपको अच्छी लग रही है तो आप मुझसे पूछो, कमेंट्स में पूछो और मज़ा आएगा। मुझे कमेंट पढ़ने का भी आएगा और मुझे व्लॉग्स बनाने का भी आएगा। मेरी ऑडियंस इंटरेस्ट ले रही है मेरी चीज़ों में और मुझे और कुछ नया नया करना चाहिए। तो बस अभी जम रहा है बैग, बता देती हूँ आपको मैं कैसे जम रहा है, ठीक है ना। ये हमारा बैग, ये हमारा चिकू और ये हमारा कैमरा और यहाँ पर बैग जम रहा है। मैं आपको बता देती हूँ, हमारे पास कैमरा के ऑलरेडी 2 बैग्स हैं, 3 बैग्स हैं, ये 4th बैग है। पर अभी तक अच्छा मिला ही नहीं तो ये कैसा अच्छा लगा। ये अच्छा, ये अच्छा है ना, ये अच्छा है, जैसा चाहिए वैसा है। हमारा बैग है वो कम्प्लीटली जम चुका है, आप देख सकते हो। और बस अब ये पैक होके इसकी जगह पर चला जाएगा और जब ट्यूटोरियल्स बनेंगे तब ये खुलेगा और ट्यूटोरियल्स बहुत जल्दी आने वाले हैं। अभी मैंने मेरे नेल एक्सटेंशन चेंज कर दिया और कपड़े भी चेंज कर दिए हैं। अब हो गई है सोने की तैयारी और 1-2 दिन में सारा स्टफ़ न्यू है वो आने वाला है, तो न्यू ट्राई करेंगे, इसलिए वो रिमूव कर दिए हैं। तो अगर यहाँ तक देखने के बाद व्लॉग अच्छा लग गया हो तो लाइक का बटन दब जाना चाहिए और शेयर कीजिए, कमेंट करिए आपको क्या क्या देखना है, ठीक है। चलो मिलते हैं कल के एक अच्छे से व्लॉग में। ओके, बाय।